नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। दलित महिला के ऊपर जानलेवा हमला। प्रयागराज थाना थरवई के अंतर्गत बनेठू बेलवा की रहने वाली दलित परिवार की एक महिला को परेशान किया जा रहा है। दलित परिवार समझकर दबंग द्वारा उस महिला को परेशान किया जा रहा है। वही पीड़ित महिला का कहना है कि हमको दबंग द्वारा मारकर पसली तोड़ दिया गया है। आगे पीड़ित का कहना है कि थरवई पुलिस दबंग से मिली हुई है। जब पीड़ित महिला लिखित शिकायत लेकर थाने में पहुंची तो वहां के दरोगा उस महिला को थाने से भगा दिया। उसकी शिकायत थी कि उसको दबंग द्वारा परेशान किया जा रहा एवं उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही। दलित परिवार समझ दलित पीड़ित महिला का कहना है कि दरोगा हमको गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए थाने से भगा दिया। प्रयागराज में ऐसे तरीके से दबंगई चल रही है। दलित परिवार की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित महिला सीओ फूलपुर से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। यादव, कुणाल यादव हमारे खेत में से मिट्टी लेके बांध रहे थे। मैं यही बोला कि आप लोग लगा दिए धान और हमारे खेत में से आप लोग मिट्टी लेके बांध रहे हैं। अगर आप लोग के शोध नहीं होता है और आप लोग बराबर बार बार मेल बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो जब ऐसी बात है तो आप लोग गोली लगा के आप लोग मेरे सीधा करके बांध लें तो कहने की बस वो गाली देते हो कहीं मार मार दो कान साट हो जाए तो हम कहें मार के कान साट हो जाए तो मैं बस गिराए गिराए तो हम कहीं उनको मार। आपको चोट भी लगी है? चोट हमारे यहीं लाते लाते मारे, लाते घूसा से इनका मारे हैं। क्या नाम था जो मारे? बजरंग बहादुर यादव, कुणाल यादव, रितेश यादव। क्या इसकी शिकायत आपने थाने में की? 112 नंबर बोला है, वो भी कोई सुनवाई नहीं। फिर थाना हमारा करवाई लगता है, थाना करवाई लगता है, वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर फूल के सीओ के पास आए, वो भी कोई हमारा सुनवाई नहीं हुई। हमारा तो हम मेरी एक पास हम जुड़े, हम कहे भाई हमारे बड़े आप लोग से हो सके तो हमारे कराई दो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनी। पता कहाँ की? खाना क्या पड़ता है? ये खास रिपोर्ट थी गंगा पार से तालिब अंसारी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।